2 अप्रैल का सूर्य कुंडलपुर की धरा पर अद्भुत रोशनी बिखेरता नजर आया। गुणायतन प्रणेता मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज, निर्यापक मुनिश्री अभय सागर जी महाराज और निर्यापक मुनिश्री संभव सागर जी महाराज के साथ अन्य दिगंबर संतों के साथ गुरु भक्तों ने बड़े बाबा के मंदिर की ओर अपना रुख किया और पर्वत पर विराजमान बड़े बाबा यानी आदिनाथ भगवान के दर्शन कर पूरे मंदिर का अवलोकन किया। जब से कुंडलपुर में मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग का पदार्पण हुआ है, तब से अद्भुत ऊर्जा श्री सिद्ध क्षेत्र पर संचारित है। 1 अप्रैल को भव्य मंगल प्रवेश और गुरु भाइयों से हुए वात्सल्यमयी मंगल मिलन के बाद 2 अप्रैल की सुबह मुनिवर ने अपना रुख बड़े बाबा के मंदिर की ओर किया। सुबह की खिलती धूप के साथ मुनिवर ने पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। इस दौरान निर्यापक मुनिश्री अभय सागर जी महाराज और निर्यापक मुनिश्री संभव सागर जी महाराज के साथ अन्य दिगंबर संत और गुरु भक्त भी उपस्थित रहे। पर्वत पर पहुंचने पर वहां उपस्थित मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज स्वागत को आए और फिर समस्त मुनि संघ ने बड़े बाबा के दरबार में प्रवेश किया और आया क्षण जब वीतरागी प्रभु की ध्यान मग्न पद्मासन प्रतिमा के दर्शन कर वीतरागी मुनिवर नतमस्तक हो गए। पूरे मनोभावों से प्रभु की छवि को मन में उतारने के बाद मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज ने कुंडलपुर के नवनिर्मित मंदिर का अवलोकन किया। क्षेत्रीय कमेटी के सदस्यों ने मंदिर जी के निर्माण की समस्त गतिविधियों से सभी को रूबरू करवाया। और फिर सौभाग्यशाली भक्तों ने मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के मुखार बिंद से उच्चारित शांति मंत्रों से बड़े बाबा की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया। पूरा मंदिर शांति मंत्रों से गुंजायमान था। मंदिर में बड़े बाबा विशाल प्रतिमा के रूप में विराजमान थे और इन सभी के बीच आचार्य श्री की परिकल्पना साकार होती दिख रही थी। पूरा प्रांगण भक्तों की भक्ति से सराबोर था। जैन फोकस के लिए कुंडलपुर, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।